दोस्तों आज अनबॉक्स करेंगे Honor V20 को। काफी अच्छा फोन और काफी धमाकेदार इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इस फोन के अंदर आपको कुछ इनोवेटिव भी देखने को मिलता है, यानी इन्वेंशन इस फोन के अंदर काफी अच्छा किया गया है। कुछ फीचर्स इसमें सबसे अलग हैं, तो चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों Honor आपको जो है इंडिया में 22 जनवरी को आपको अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से इजीली खरीद सकते हैं। अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है और किरण 980 वाला इसके अंदर चिपसेट लगाया गया है, जो कि फ्लैगशिप ग्रेड का है। Honor V20 ये रहा फ़ोन यार, काफ़ी कमाल का फ़ोन है। लेकिन यार इसे हम पहले साइड में देखते हैं और देखते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये रहा आपका सिम इजेक्टर टूल और इसके अंदर दिया गया है कुछ यूज़र मैनुअल, पेपर वर्क्स। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं या तो साइड में रख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल और एक आपको प्रोटेक्टिंग केस भी देखने को मिलता है, जो टिप्यू केस है, जो कि आपके फ़ोन को और भी ज़्यादा जो ग्लास को है प्रोटेक्ट करेगा। बात करें तो इसके अंदर आपको जो है चार्जर देखने को मिलता है, 22.5 वॉट का इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेबल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, तो USB टाइप केबल भी देखने को इसके अंदर आपको मिलता है। बात करें इस फ़ोन को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंच होल सेल्फी कैमरा इधर साइड में आपको लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है। सैमसंग के फ़ोन में भी आने वाला है और आपको Honor V20 में देखने को मिल गया है। सैमसंग S10 में आपको ऐसा ही कैमरा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भाई कैमरा अगर बात करें रियर और फ्रंट फेसिंग कैमरे का, तो काफ़ी अच्छा कैमरा इसके अंदर लगाया गया है। आपको यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, यानी कि OLED डिस्प्ले यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, यानी आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो फुल HD+ डिस्प्ले है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और काफ़ी इसमें AI वर्क करने वाला है। तो यार आराम से आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5mm जैक भी इसके अंदर सुरक्षित है, यानी कि निकाला नहीं गया है। इतना इन्वेंशन करने के बाद भी यहाँ पे 3.5mm जैक देखने को आपको मिलेगा, तो यार आप जो है ना निराश नहीं होगे अगर आप गाने सुनते हो हेडफोन ईयरपीस लगा के। तो इसके अंदर आपको किरण 980 मिलता है, 8GB रैम मिलता है और 256GB आपको रोम देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी पावरफुल बना देता है। अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4000mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। एंड्रॉयड 9 OS इसके अंदर दिया गया है और EMIUI जो इसकी लेयरिंग है वो 9.0 पे रन करता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक जो है आपको पीछे के साइड आपको देखने को मिलेगा। 3D ग्लास पैनल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, साइड में कॉर्निंग डबल ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि यार इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा लुक जो है पीछे से मुहैया करवा देता है। अगर बात करें तो फ़ोन में आप देख सकते हैं वी शेप देखने को मिल जाता है। जब आप ऊपर नीचे फ़ोन को करोगे तो आपको वी शेप देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अलग है और अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में ऐसा ग्लास बैक पैनल देखने को नहीं मिला है। और Honor V20 के अंदर आपको ऐसा ग्लास पैनल देखने को मिलता है, जो कि Honor V20 में काफ़ी अच्छी बात है। ये भी देखिए आप पीछे जो डिज़ाइन है आपको काफ़ी कमाल मिलने वाला है। अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 48MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो सोनी IMX586 का जो है सेंसर इसके अंदर दिया गया है, यानी सोनी का पावरफुल कैमरा इसके अंदर आपको लगा के दिया गया है। एक जो है 12MP का आपको सेकेंडरी कैमरा भी है, फ्लैश लाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और अगर आप कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप 3D अवतार बना सकते हैं, देख सकते हैं 3D अवतार बिल्कुल इसमें वर्क करने वाला है। तो फ़ोन ओवरऑल काफ़ी कमाल का है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरा नाम अंकित है, आप देख रहे हैं 1 मिलियन फैक्टर। तो चलिए यार वीडियो को बंद करते हैं और अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।